हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसे हो? सुनाई नहीं दिया? हाँ, एक बार, हाँ आप सुनाई दिया, अच्छे हो। देखो, बोलो, मैं कहूँगा यस और नो, कैसे हो? आवाज़ निकलनी चाहिए। आवाज़ निकलेगा, पेरेंट्स सुनेंगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो तुम्हें कोई भी सुविधा चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, तुम्हारे पेरेंट्स देंगे, अवश्य देंगे। ओके, देन आज हम लोग समझने वाले हैं, एक मिनट, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूस देखो। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल देखेंगे, यानी कि डाल्टन साहब के बारे में। पहले तो मैं बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिस्कशन चल रहा है, ओके, बोला नहीं ना? हाँ ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकेंड पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ डाल्टन पोस्टुलेट्स, यानी कि डाल्टन साहब ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी बातें बताया, जो भी खोज किए उन्होंने, उस पर अपने दो बात रखा है। दो बात मतलब कि कुछ ऐसे बात बताया, उस पर अपना डिस्कस करने के बाद कुछ लाइंस लिखें कि चलो ये एटम के बारे में है, तो उसको समझ लेते हैं एक एक करके। चलिए देखिए आप लोग, पहला पोस्टुलेट्स है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ओके, उनका कहना है कि देखो भाई, जो चीज़ आप देखते हो पूरे यूनिवर्स में, महसूस करते हो, छूते हो, पीते हो, खाते हो, एवरीथिंग दैट यू कैन सी और फील इज मेड अप ऑफ मैटर। एंड आप कहते हैं कि देखो, जो चीज़ आप आपने मैटर बोला, वो मैटर बना किस चीज़ से है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना हुआ है। ओके, यानी कि ये पेन देख रहे हो, मेरा पूरे बॉडी देख रहे हो, कुछ पहना हो टी शर्ट वो देख रहे हो, ये माइक है, तो देखो ये सारी चीज़ें मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन डिवाइजिबल पार्टिकल दैट इज एटम, यानी कि उनके कहने के बेसिस पे है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है एटम, उसको आप ना ही काट सकते हो ना ही बांट सकते हो। ओके, गॉट माई पॉइंट? ओके, देन नेक्स्ट, फिर कहते हैं दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड और नॉर ट्रांसफॉर्म इन टू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। उनका कहना है देखो, जो चीज़ आप एटम समझते हो, उसको आप ना ही काट सकते हो, ना ही उसे बांट सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यानी नुकसान कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, उसे आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ओके? कहने का मतलब कि जैसे आप क्या करते हो, एक पेपर लेते हो और उस पेपर को जलाते हो, तो क्या होता है, उससे ऐश निकलता है, फायर निकलता है, धुआं निकलता है। आप तो सिर्फ सिंपली उसको जलाकर राख में बदल दिया, यानी कि सिर्फ आप उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, तो पेपर से ऐश में, ठीक है, आपने एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, समझ में आई बात? ओके, देन नेक्स्ट, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। देखो डाल्टन साहब कहते हैं कि आप एटम लेते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी लेते हो, ठीक है, जैसे कि कार्बन कहीं भी लेते हो, इंडिया में, अमेरिका में, ठीक है, कहीं भी, यूके में, यूएसए में, यूएसए, यूके, अब कहीं भी मिले कोई एलिमेंट, जैसे मैं कार्बन की बात करूं कि कार्बन इंडिया में मिले, अमेरिका में मिले या मून पर मिले, ओके, कहीं भी मिले, वो कार्बन का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, हर तरह से सिमिलर होगा, ठीक है, हर तरह से सिमिलर होगा। ये किनका कहना था? डाल्टन साहब का कहना था। फिर नेक्स्ट देखते हैं उनका तीसरा पोस्टुलेट्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन और रेस्पेक्ट। जैसे इनके कहने का मतलब हुआ कि देखो, आप कार्बन एटम लेते हो, नाइट्रोजन एटम लेते हो, ये दोनों टोटली डिफरेंट होगा, उसका कोई कैरेक्टर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, देखने में, छूने में और अदर फंक्शन में भी काफ़ी डिफरेंट होगा। ओके, देन नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, चौथा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड कंबाइन इन ए सिंपल इंटीग्रल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके, चौथा पोस्टुलेट्स ये कहता है डाल्टन साहब का, देखो एटम ही ऐसा चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है,
ठीक, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, जैसे कि भोजन, हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन होता है, फूड पार्टिकल्स हम लोग खाते हैं, सुबह पर क्या होता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल के फॉर्म में एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, बट हमको एनर्जी मिलता है, वेस्ट मटेरियल तो निकल गया लैट्रिन के प्रोसेस से, लेकिन मुझे एनर्जी मिल रहा है, वो एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो आप जानते हो, जैसे ग्लूकोज पीते हो तो एनर्जी आता है, यानी कि ग्लूकोज बना रहा होगा शरीर में, क्योंकि एनर्जी ग्लूकोज से मिलता है, तो कुछ भी खाते हो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी देता है। तो इनके कहने का मतलब है कि एटम ही ऐसा चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और एटम मिलकर ही कोई दूसरा कंपाउंड बनाता है। ओके, जैसे देखो यहाँ, जैसे CO2, वाटर H2O और सनलाइट, यूवी से हम लोग सनलाइट को मानते हैं। ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज बना दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये प्लांट में बनता है, और हम लोग क्या करते हैं, अगर वो ये भोजन हो गया, और ये भोजन अगर पत्ता में स्टोर है तो हम लोग क्या करते हैं, पत्ता साग के फॉर्म में खाते हैं, फ्रूट्स में स्टोर है तो फ्रूट्स तोड़कर खाते हैं, सब्जी में है तो सब्जी खाते हैं। ओके, तो यही चीज़ है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप खाते हो वो एक केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से, डाइजेशन के हेल्प से हमारे शरीर में लगता है, वो टोटली एक रिएक्शन है, और डैट रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स पार्टिसिपेट करता है और नए चीज़ें का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, ये डाल्टन साहब भी कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है, व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट द एटम्स में कंबाइन इन मोर देन वन सिंपल होल नंबर रेशियो। देखो होता क्या है कि इनका पांचवा पोस्टुलेट कहता है, अगर एलिमेंट रिएक्ट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे अगर मान लेते हो आप जलाते हो किसी चीज़ को, जैसे कि CH4 मीथेन है, गैस है, इसको आप जलाते हो H2O के प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि कुछ बनेगा, जैसे कि यहाँ पे CO2 बनेगा और यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी जलाते हो तो प्रदूषण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, और साथ में क्या होता है, वाटर निकल जाता है। ठीक, तो वही चीज कहता है कि देखो, अगर आप रिएक्ट कराते हो या कुछ करते हो एलिमेंट के साथ में, जैसे यहाँ देखो एलिमेंट यहाँ पे किसके फॉर्म में है, तो गैस के फॉर्म में है, CH4 के फॉर्म में है। ठीक, और यहाँ पे रिएक्शन किया और नया CO2 बना और H2O बना, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो H2O बना, CO2 बना, एक नया चीज़ बना और नया सिंपल होल नंबर रेशियो में बना। अगर ये भी कह सकते हो, अगर कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, यानी कि अगर कोयला को जलाते हो, कार्बन से कोयला समझना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो CO2 बनेगा। ठीक है, CO2 बन रहा है, यानी कि ये एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, यानी कि दोनों एलिमेंट मिलकर एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में बन गया, इनका यही कहना है। ओके, अब नेक्स्ट चीज है, कहता है डाल्टन साहब कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हैज बीन कंट्राडिक्टेड विथ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर रिसर्च एंड डिस्कवरीज। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे साइंस में बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार होता है, तो इन्वेंशन होते हैं, तो होता क्या है कि पुराने जो भी थ्योरी होते हैं उस पर ध्यान दिए जाते हैं, कई थ्योरी गलती हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है ये थ्योरी दिया गया है उसमें कुछ गलतियां हैं, तो उसको सुधार लिए जाते हैं। ओके, अब है लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी कि डाल्टन साहब जो बताएं उसमें क्या क्या गलतियां हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। विथ द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स, इट वॉज कंक्लूडेड दैट एटम्स कैन फर्दर डिवाइडेड। देखो, जब डाल्टन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था उस समय हुआ क्या कि उस समय कोई ज़्यादा इन्वेंशन हुआ नहीं था, एटम को आप ज़्यादा काट नहीं सकते थे, बांट नहीं सकते थे, उस समय इस तरह की परिस्थिति थी, लेकिन साइंस का डेवलपमेंट हुआ, लोग ने क्या किया, एटम को और स्टडी किया, और बाद में पता चला कि देखो एटम को आप और छोटे पार्ट्स में बांट सकते हो, किसमें, तो इलेक्ट्रॉन,
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन भागों में बांट सकते हो, और कह सकते हो कि एक तरह से कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स है। जैसे कि एटम किस चीज से बना हुआ, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, एंड अगला पोस्टुलेट क्या है? डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स प्रूव दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में पोजेस डिफरेंट एटॉमिक वेट, दैट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। देखो, एक चीज उन्होंने कहा था कि देखो भाई, अगर एलिमेंट मिल जाता है कार्बन इंडिया में, चाहे यूएसए में, चाहे लंदन में, चाहे चांद पे, तो कार्बन हर तरह से सिमिलर होगा। अगर हाइड्रोजन इंडिया में मिलता है, अमेरिका में, पाकिस्तान में, चाहे कहीं भी, तो हर तरह से सिमिलर होगा। ये डाल्टन साहब का था, लेकिन ये गलत हो गया। कैसे? जब मिला आइसोटॉप। आइसोटॉप मतलब कि जैसे हाइड्रोजन के ही अलग अलग फॉर्म है, ठीक। जैसे कि देखो, यहाँ हाइड्रोजन लिया गया है, कार्बन का भी आइसोटॉप होता है। कार्बन का तीन फॉर्म होता है, C12, C13 और C14। ओके, ये रेडियो एक्टिव होता है, ये बहुत कम मात्रा में, सबसे ज़्यादा में 12 मात्रा में ये C12 वाला होता है। ओके, तो जैसे आइसोटॉप के केस में देखा गया कि भाई ये हाइड्रोजन है, इसको प्रोटियम कहा गया, और इसका जो मास है 1 है। ओके, 1 1 मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 और मास भी 1। फिर देखा गया कि ड्यूटेरियम, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास 2 आ रहा था। तीसरा देखा गया ट्राइटियम, मास एटॉमिक नंबर 1 और मास 3। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कंट्राडिक्शन होने लगा कि भाई आइसोटॉप आ रहा है तो इस केस में हाइड्रोजन का तीन तीन फॉर्म है, तो ये कैसे सिमिलर होगा? एक ही एलिमेंट है पर उसका आइसोटॉप्स है, तो उसका जो मास है अलग अलग आ रहा था। तो ये हुआ कंट्राडिक्शन जो कि फेस करना पड़ा, और लिमिटेशन पता चल गया कि देखिए बोर ने कहा था कि एक एलिमेंट, एक तरह के एलिमेंट कहीं भी मिलेगा तो सब कैरेक्टर सेम होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का तीन फॉर्म मिला, हाइड्रोजन ही है पर उसका तीन फॉर्म है, और तीनों में क्या है, मास अलग अलग है, तो ये एक लिमिटेशन रहा। ओके, अब अगला लिमिटेशन है, इन सम केसेस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फाउंड टू हैव सेम मास नंबर, दैट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी आइडेंटिकल इन दिस रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम एंड आर्गन फाउंड टू हैव सेम मास नंबर। देखो, एक और जगह कंट्राडिक्शन आया। डाल्टन साहब कहा था, देखो अगर कार्बन है, नाइट्रोजन है, यानी दो अलग अलग एलिमेंट आप लोगे तो उसके मास अलग होगा, उसके हर तरह से हर प्रॉपर्टी अलग होगा, ये डाल्टन साहब का कहना है। पर जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे चीज़ का इन्वेंशन हुआ, तो पता चला कि देखो ये कैल्शियम है और ये हमारे पास क्या है, आर्गन है, और ये दोनों में देखा गया कि जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका 18, फिर भी ये दोनों अलग अलग एलिमेंट होते हुए इसका जो मास है दोनों का 40 पाया गया, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो यहाँ पर एक और कंट्राडिक्शन हुआ, और ये हम लोग कहें कि ये अगला लिमिटेशन है किसका, तो एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो ये तीसरा था। तो आप कह सकते हो कि अलग अलग एलम, अलग अलग एटम्स होंगे, या कह सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उसके मास सेम हो सकते हैं और भी कैरेक्टर सेम हो सकते हैं। ओके, देन और सारे प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट गिव कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑन एक्सप्लेनेशन टू एनी ऑफ द एबव फैक्ट, इट लेड डाउन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। देखो, इतने सारे लिमिटेशन पड़े डाल्टन साहब के ऊपर, और ये सारे जो लिमिटेशन था इसको उन्होंने समझा नहीं पाया, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो साइंटिस्ट ने सोचा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, डाल्टन साहब तो अपना थ्योरी दिए थे, पर उन्होंने रास्ता खोल दिया था कि आप अब इस पर रिसर्च कर सकते हो। अब रिसर्च करने के बाद में तैयार होता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, यानी कि एटम के ऊपर अब नया नया थ्योरी आएगा। ओके, डाल्टन के बाद एक तरह से कह सकते हो डाल्टन ने क्या किया, एक रास्ता बना दिया, मार्गदर्शन दे दिया कि अब साइंटिस्ट लोग जाओ,
जाओ तुम लोग अब रिसर्च करो। अब उस समय डाल्टन के पास उतना इंस्ट्रूमेंट था नहीं और उनके पास कंसेप्ट वैसे आया नहीं, तो ये लिमिटेशन रह गया, तो बाद में साइंटिस्ट ने ठीक किया। अब देखो डाल्टन साहब से ही कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें क्या निकल के आया, पहले बताए थे, जरूरी नहीं है कि सब चीज़ गलती ही होगा, पुराने साइंटिस्ट होते हैं उनका बात अभी भी फॉलो होता है और आगे भी फॉलो होता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जो लिमिटेशन के अंदर में आया, यानी कुछ परेशानी क्रिएट कर रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ, वो पहले वाले थ्योरी को बदल कर नया थ्योरी लाया गया। तो कुछ ऐसे लाभकारी चीज़ें बताएं, यानी उससे प्रॉफिट हो रहा था थ्योरी से, तो वो डाल्टन साहब क्या क्या किए थे उस पर देखते हैं। द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच सेज दैट एटम आर द टीनिएस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने क्या कह दिया था कि देखो भाई, एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल्स है और वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। जैसे आप कभी भी रिएक्शन लिखते हो, क्या कार्बन जैसे कार्बन का मतलब कोयला समझना है, ठीक है, कोयला, कोक, ठीक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो CO2 निकलता है और सारे चीज़ें निकल सकता है, CO भी निकलता है, ठीक। तो उनके कहने का मतलब है कि देखो, एटम छोटा पार्टिकल्स है, वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक, तो यहाँ वो सिद्ध भी हो जाता है, आज भी प्रूफ होता है और एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि एटम्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ओके। फिर नेक्स्ट है, इट इज़ हाउएवर एक्सेप्टेड इन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी विथ एक्सपेरिमेंट एविडेंस। मैंने बताया कि आज भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो एटम्स है वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, हाउएवर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेड द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन डिवाइजिबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द एटम। जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिस्कवरी होता है, तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि अब क्या पॉसिबिलिटी है कि एटम और भी उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं एटम के अंदर, उस पर दिमाग दौड़ना शुरू हुआ। ऐसा क्यों, तो मैं समझाता हूँ। देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना, ऑलवेज इससे ना अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स, इसमें से कुछ कुछ ये पार्टिकल्स निकलते रहते हैं रेगुलर इंटरवल से। यानी कि कोई एलिमेंट है जैसे कि रेडियम, ओके, तो रेडियम हो चाहे एस्टाटीन हो चाहे कोई हो, रेडियो एक्टिव है तो उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कह सकते हो अल्फा, बीटा, गामा रे के फॉर्म में निकलते रहता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये तो एलिमेंट है, इसमें से रे निकल रहा है, यानी जरूर इसके अंदर कुछ होगा जिसके वजह से इस एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहा है। तो दिमाग गया, भाई इसमें तो जरूर कुछ है, और देखा तो पाया कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन रेगुलर इंटरवल में रिलीज हो रहा है। जैसे कि मान लेते हो, अगर ये एटम है, इसके डिफरेंट ऑर्बिट है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, 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 तो कभी यहाँ से लूज हो रहा है, कभी यहाँ से लूज हो रहा है, कभी चार, कभी तीन, कभी दो, ऐसे लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो दिमाग चला, भाई इसमें तो जरूर कुछ है, और पता लगा लिया कि एटम में क्या है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल है, छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स है। और उन्होंने बोला कि चलो उसको खोजते हैं, खोजने के बाद पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ओके। देन फर्दर लेटर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट लाइक जे.जे. थॉम्सन, गोल्ड स्टीन, चैडविक एटसेट्रा प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम। देखो, बाद में होता क्या है कि अब तो साइंटिस्ट के दिमाग खुल गया, भाई अब इस पर खोजेंगे तो कुछ कुछ मिलेगा। तो मिला किनको, जे.जे. थॉम्सन, गोल्डस्टीन और चैडविक साहब, ये सभी प्रूव किए कि देखिए एटम के अंदर, एटम छोटा उसको कर सकते हो, काट सकते हो, बांट सकते हो, और एटम के अंदर छोटा करने के बाद क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, प्रोटॉन मिल सकता है, और तीसरा क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन भी मिल सकता है बॉस, ओके। तो अब कहने लगा लोग कि देखो, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है,
ओके देन अब आगे हम लोग समझेंगे अगला पॉइंट क्या है द चेंज्ड परसेप्शन दैट एन एटम इज डिविजिबल मेड वेरियस साइंटिस्ट सच एज रदरफोर्ड बोर्स हाइजेनबर्ग एटसेट्रा थ्रो लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम प्रिसाइजली। देखो जब जैसे ही पता चला कि एटम को आप और छोटे पार्टिकल्स में बांट सकते हो तो सोचा कि भाई अब ये पार्टिकल्स को बांट सकते हैं जब तो जरूर इसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा। ठीक है मान लेते हो कि ये एटम है गोला सा, ठीक है गोला सा एटम है तो जरूर इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो उसके अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से होगा। तो एटम के स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को जब समझा गया तो पता चला कि भाई एटम का स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी, उसका अरेंजमेंट समझना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम। ओके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अरेंजमेंट कर दो तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये जो साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, ये आपका बोर, हाइजेनबर्ग, इन सब के लिए रास्ता खुल गया कि आप इस पर रिसर्च कर लो और एटम के स्ट्रक्चर पर आप डिस्कशन कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देन कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स एन एटम कंसिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स नेमली प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो अब तो पूरे पार्टिकल्स के खोज हो चुके हैं भाई, तो इस पर क्या फंडामेंटल चीज़ क्या आया कि देखो कोई भी एटम होगा उसके अंदर में क्या होगा, एक एटलीस्ट एक प्रोटॉन होना जरूरी है। और भी सारे एटम में देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी है। देखो हमने बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर में है, तो यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक है हाइड्रोजन का मास वन और एटॉमिक नंबर भी वन होता है, इसका मास वन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, ठीक है न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में। ओके बाकी सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो स्ट्रक्चर देखा गया जब एटम के तो उसमें देखा गया भाई इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में मिल रहे हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़कर जिसमें नाइट्रोजन नहीं है बाकी सब में ये कॉमन था। ओके नेक्स्ट चीज है प्रोटॉन के बारे में समझते हैं, ये तीनों पार्टिकल्स हैं तो तीनों के बारे में समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रोटॉन के। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरिंग ए चार्ज ऑफ प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बात समझ में आई? प्रोटॉन को देखा गया कि वो पॉजिटिवली चार्ज था और उस पर चार्ज देखा गया कूलम में तो प्लस में आया था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में देखा गया 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU आ रहा था। देखो भाई इसमें है पावर माइनस 19 यानी ये बहुत कम चार्ज है, ठीक है कूलम में, और ये भी ESU है 10⁻¹⁹ माइनस में है तो बहुत कम वैल्यू होगा ही। द नेक्स्ट इज कहता है द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज टेकन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो प्रोटॉन पर हम लोग चार्ज लेते हैं कैलकुलेशन के लिए प्लस वन, कैसे आता है हम बाद में बताएंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है इसी चैप्टर में आगे इसका कंक्लूजन निकलता है कि प्लस चार्ज ही वन कैसे आता है। ठीक द नेक्स्ट है द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg। अब देखो मास यहाँ ध्यान दो स्क्रीन पर देखो कि 1.67 × 10⁻²⁷ है यानी कि माइनस पावर क्या होता है
घटाता है। जैसे मान लेते हो 10 के पावर -2 करते हो तो 1/100 लिखते हो, यानी -2 चार्ज है तो 1/100 करते हो। अब देखो कि 10^-27 है तो कितना कम होगा, यानी बहुत कम होता है। और हम लोग कैलकुलेशन के लिए, इजी के लिए, हम लोग इसका मास ले लेते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कैरिंग ए चार्ज इक्वल टू डैट ऑफ प्रोटोन, डैट इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब्स और 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU। देखो, देखा गया चार्ज के मामले में तो चार्ज सिमिलर था सब कुछ, ESU में और कूलम्बिक चार्ज एकदम इक्वल था, बट इसका साइन उल्टा था, यानी ये प्लस में था प्रोटोन और ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला प्रोटोन, ये प्लस में था और ये माइनस में, सब कुछ सिमिलर। अब यहाँ पे देखो, द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज नेगेटिव चार्ज -1, यहाँ पे माइनस चार्ज लिया गया और वहाँ पे प्लस में, लेकिन मास में काफ़ी वेरिएशन है। इलेक्ट्रॉन का मास देखा गया है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी नेग्लिजिबल एंड हैज़ वैल्यू ऑफ 9.1 × 10⁻²⁷ kg। ओके, और माइनस में देखा गया इसका चार्ज 9.1 × 10⁻²⁷, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, वैल्यू इसका होता है -31 kg। ओके, पावर में -31 kg। ओके, ये काफ़ी कम होता है, बहुत कम, यानी कि अगर हाइड्रोजन का मास ले ले, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1807th टाइम्स ऑफ डैट ऑफ प्रोटोन, यानी कि एक प्रोटोन का मास ले लीजिए तो इसको आप इंटू कर लीजिए 1/1837, ठीक है, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, यानी बहुत कम होता है। समझ में आई बात? अब हमने समझा इलेक्ट्रॉन प्रोटोन दोनों समझ लिया, अब एक और चीज़ रह रहा है, वो है न्यूट्रॉन, उसको मैं अगले क्लास में समझाऊँगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो और वीडियोस को देखा करो, बार बार देखो, समझ में आएगा। एंड अभी आप पूरे लेक्चर के उम्मीद रख सकते हो क्योंकि हम लोग रेगुलर हो रहे हैं धीरे धीरे, लाइव भी आऊँगा धीरे धीरे करके, ठीक है, देखते रहिए एंड जुड़े रहिए सीवर्स क्लासेस के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट को पूछा कीजिए। ओके, थैंक यू।